At this moment, we are coming to you from inside a hospital in the Chembur area of Mumbai, which is specially designated for suspected COVID patients. Now, as we all know, the real crisis of Mumbai is the demand-supply mismatch. There are a handful of private hospitals like this one, the Sai Hospital in Chembur, that have been stepping up to the plate and doing their duty. But otherwise, a disproportionate part of the burden has fallen mostly on government doctors. Now, here at the hospital, you can see that doctors and nurses and healthcare workers are busy looking after patients, but doctors are snowed under and doctors are overwhelmed, and this is what is happening in Mumbai. हमारे साथ यहाँ डॉक्टर शाहिद है जो यहाँ पर ड्यूटी पे है फॉर सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स. थोड़ा बताइए, हम लोग सब देख रहे हैं बहुत दिनों से कि पेशेंट्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स भी कम हैं, अस्पताल भी कम हैं, बेड्स भी कम हैं, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन? एक्चुअली यहाँ हम लोग काफ़ी ओवर बर्डन हैं. हमारे पास जो डॉक्टर्स, हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं और पेशेंट जो है, इतने फ्लो, पेशेंट का फ्लो इतना आ रहा है कि हमको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है. हम ओवर बर्डेड हो रहे हैं. पेशेंट्स को बेड देने के लिए हमको बेड नहीं अवेलेबल नहीं है. हमारे पास जितने बेड हैं हम उतने पे पेशेंट रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो पेशेंट रहते हैं हम उनको शिफ्ट करवाने के लिए हमें उनको जगह नहीं मिलती है. उनके लिए कई हॉस्पिटल्स में फ़ोन करते हैं, लेकिन काफ़ी ओवर बर्डन हो रहा है हमको. तो आप कह रहे हैं ओवर बर्डन हो रहे हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं. इन फैक्ट वी विल जस्ट वॉक अ लिटल अहेड एंड रिमेंबर वी आर हियर डूइंग दिस अंडर द वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड द सुपरविजन ऑफ द हॉस्पिटल्स, एंड वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग एनी पेशेंट अनलेस दे वॉन्ट टू बी आइडेंटिफाइड. शाहिद साहब, आपसे पूछूंगी, आपने कहा कि पेशेंट्स ज़्यादा हैं, बेड्स कम है, यहाँ कितने बेड्स हैं? टोटल हमारे यहाँ 25 बेडेड हॉस्पिटल है. यहाँ ICU में 8 बेडेड है और बाहर जो है हमारे पास 19 बेडेड है. और पेशेंट्स कितने आते हैं एवरी डे? मतलब मिसमैच का थोड़ा बताइए कि कितनों को आपको कहना पड़ता है कि भाई हमारे पास जगह नहीं. नहीं, ऑलमोस्ट डबल पेशेंट जो आते हैं, डबल से भी कहीं ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं. 25 बेडेड है और एक पेशेंट जो है वो 7 to 8 डेज पेशेंट रहता है, और ICU पेशेंट रहता है तो वो ज़्यादा दिन रहता है. लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ऑलमोस्ट डे पर डे हमको 50 to 60 पेशेंट को जो है यहाँ से हमको बाहर भेजना रहता है. आपको उनको कहना पड़ता है कि आप कहीं और जाइए? कहीं और जाइए. हम अपने तौर से कोशिश करते हैं वहाँ रिसेप्शन पे, या फिर हम कहीं बेड अवेलेबल होता है, बट हम भी उसके लिए काफ़ी लाचार हो जाते हैं कि हमको भी मतलब उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं हम कि उनको कहाँ भेजे हैं. सो डॉक्टर शाहिद हियर इज टेलिंग अस एट दिस फैसिलिटी for suspected COVID patients that there is a complete gap between the number of people who are coming here wanting to be tested and the number of beds and doctors available, and kam se kam rows 50 to 60 patients are in fact turned away. Now you can see, we'll give you a sense of the hospital. If you come this side, you can see health workers who are here on duty behind the counter. Remember, many of these hospitals are also small. They're not mammoth hospitals, and the big question is, where are the giant private hospitals? Are they doing what they should be doing? The Municipal Corporation of Mumbai is now talking about requisitioning these hospitals and ensuring that a requisite number of beds is kept in them for COVID patients. But why wasn't this happening before? Shahid sahab, ye ek sawal bada utha hai ki aapke jaise chote private hospital to apna kaam kar rahe hain, lekin Mumbai ke bade hospital kahan? एक्चुअली छोटे हॉस्पिटल में भी हमको, बड़े हॉस्पिटल भी जो यहाँ चेंबूर में भी है, सोमैया हॉस्पिटल है, कुछ जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ भी बेडेड फुल है. और काफ़ी हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट्स को ले नहीं रहे हैं, उन्होंने मतलब फीवर ब्रेथलेस पेशेंट को अवॉइड कर रहे हैं. तो एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट रूल आना चाहिए या ऐसा कुछ आना चाहिए कि उन सबको ओपन करवाया जाए कि पेशेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटी हो, ये ओवर बर्डन थोड़ा कम हो जाए. सो यू कैन सी हियर there is a stack of medicines and other treatment items, and of course here the all crucial rubber gloves. Now all of you may be wondering whether we are straining the PPE resources here. We want to clarify to our viewers that we bought our own PPE kits and we carried this by road at the back of our car from Delhi. ये कहना ज़रूरी है कि अस्पताल की PPE kits किसी पत्रकार को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, अभी डॉक्टर्स को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है और हमें ये याद रखना चाहिए. आपने कहा कि कोई रूल आना चाहिए, किस तरह का रूल इस समय हेल्प होगा? एक्चुअली रूल्स आना चाहिए कि जितने भी छोटे नर्सिंग होम है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल है, सबको कोविड, सस्पेक्टेड कोविड के लिए अलाउ करना चाहिए. क्योंकि आज का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोविड का प्रॉब्लम है.
तो उसको काफ़ी प्रेफरेंस देकर उस सस्पेक्टेड कोविड का को हर हॉस्पिटल ने रखना चाहिए। इवन अगर आपको चाहिए हॉस्पिटल को चाहिए कुछ 10% या 20% आप नॉन कोविड के लिए अनसस्पेक्टेड जो केसेस रहते हैं उनके लिए रखिए, लेकिन जो है 80% के अराउंड जो है कोविड के लिए आपको देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो सस्पेक्टेड कोविड को हो रही है। एक तो आपका कोविड पॉजिटिव रहता है किसी पेशेंट्स का तो उनके लिए भी तो कुछ जो कोविड हॉस्पिटल है उनमें बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन चल उनके लिए भी तो कुछ बेड का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन जो सस्पेक्टेड कोविड रहते हैं उनको कोई हॉस्पिटल बहुत से हॉस्पिटल उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको नहीं ले रहे हैं। तो सस्पेक्टेड कोविड के लिए लेना चाहिए नर्सिंग होम्स ने हॉस्पिटल ने सस्पेक्टेड कोविड को लेना चाहिए, उनके लिए अलग से एक ये रखना चाहिए हॉस्पिटल का 70-80% उनके लिए रखना चाहिए और 20% जो है वो नॉन कोविड के लिए। आप जो सस्पेक्टेड नहीं लग रहे हैं, मतलब जो MI के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CVA के पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट के लिए आप 20-30% रखिए, लेकिन कोविड के लिए 70-80% आप। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब तो 2 महीने हो गए, इट्स बीन 2 मंथ्स एंड वी आर स्टिल हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन हियर इन मुंबई। आपको लगता है कि बीच में जो प्राइवेट बहुत से क्लिनिक्स थे जो खुले ही नहीं, वहाँ डॉक्टर्स आए ही नहीं, अब ऑर्डर किया गया है, उनको नोटिस दिया गया है कि भाई आप खोलिए, तो इसके बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया? नहीं, एक्चुअली वो तभी डॉक्टर ने खोलना चाहिए था। डॉक्टर्स लोगों ने जो है इन सब इसमें आगे आना चाहिए, डॉक्टर्स ने प्राइवेट नर्सिंग होम ने इसमें आगे जाना चाहिए। अभी ऐसी कंडीशन हो रही है कि सब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी हो रही है, ओवर चार्ज भी हो रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि पेशेंट्स ने हमें ये भी बताया कि प्राइवेट अस्पताल में लेते भी हैं तो चार्जेस स्टैंडर्ड नहीं रहते। हाँ, ओवर चार्जेस हो रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी मतलब गरीब पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहले तो उनको बेड नहीं मिल रहा है और कहीं बड़ी मुश्किल से बेड भी मिलता है तो चार्जेस से वो लोग परेशान हो जाते हैं। आपने कहा कि आप एवरी डे 50-60 पेशेंट्स को बोलते हैं नहीं, जगह नहीं। हाँ बिल्कुल, उस समय आपके दिल में क्या जाता? बहुत 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 बुरा लगता है, एज अ डॉक्टर हमको बहुत बुरा लगता है और हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते, ये सोच के भी डॉक्टर हो के हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते कि तो इसका हमें बहुत बहुत बैड फील होता है। सर, आप कुछ कर भी नहीं सकते? नहीं, कुछ कर नहीं सकते हम। सर, डॉक्टर्स की कमी है कि बेड्स की? बेड्स की ज़्यादा कमी है, डॉक्टर्स की भी, डॉक्टर्स और बेड दोनों की कमी है, डॉक्टर्स की भी काफ़ी कमी है। इसमें अगर आप देखें कि बहुत से यहाँ चैरिटी हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ वो बेड्स आर डेजिग्नेटेड फॉर द पुअर एंड देयर अंडर यूज, ये भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक चीज़ अगर आप कहें कि भाई लोगों को समझना है व्हाट डॉक्टर्स आर गोइंग थ्रू, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली लोगों को सबसे बड़ा प्रेशर और लोग जो समझ नहीं पाते, लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे क्योंकि इसमें जो है डॉक्टर भी सफ़र हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपना जो है वो जो भी डॉक्टर वर्क कर रहे हैं वो अपने तौर से पूरी पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उनकी भी फैमिली है रहती है, डॉक्टर्स की भी अपनी फैमिली रहती है, तो वो सब उन सबको छोड़ के डॉक्टर जब इसमें करे तो पेशेंट्स को भी इन सब चीज़ों का ख्याल, पेशेंट्स को, पेशेंट के रिलेटिव को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप टर्न अवे करते हैं पेशेंट्स तो गुस्से भी होते हैं, कुछ धरनाबाजी भी होती है, नाराज़गी होता है, रोना होता होगा? बहुत होता है, काफ़ी होता है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा हल्ला करके जाते हैं पेशेंट्स के, बेड अवेलेबल नहीं रहता है और ओवरबर्डन की वजह से जो प्रेशर आता है तो उसकी वजह से काफ़ी रिलेटिव जो है वो हम पे हंगामा करते हैं और हमको कई बार जो है तो तोड़फोड़ करने की जैसी ये भी सिचुएशन भी आ जाती है। तो डॉक्टर शाहिद इज टेलिंग अस हियर एट दिस फैसिलिटी इन द चेंबूर एरिया ऑफ मुंबई दैट एवरी डे 50-60 पीपल आर बीइंग टर्न्ड अवे बिकॉज दे जस्ट आर्न्ट इनफ बेड्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ वन हॉस्पिटल बट इट्स ऑल्सो द स्टोरी ऑफ हॉस्पिटल्स अक्रॉस द सिटी। इन मेनी इंस्टेंसेज प्राइवेट क्लिनिक्स except for honorable exceptions like this one have not done their job, have not done their duty. Now there's a government order to open them. But think of someone who comes for a test, thinks he or she has COVID, only to be told at the hospital there is no bed for you. And then think of the doctors who, as you heard from Dr. Shahid, actually have to go through the heartbreak of that moment, but there's nothing that they can do. This is the story of Mumbai's overstretched, overwhelmed health system. Well, yes, we've seen horrific reports of, you know, more than one patient on one bed, bodies wrapped up next to patients. But doctors say, please understand what we are going through. The lockdown was meant to be a period to prepare the health system. Doctors are saying these 2 months should have been used for that.